नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। सावन के महीने में भक्तगण क्या क्या नहीं करते भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जरूरी भी है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार इन दिनों भगवान शिव पृथ्वी पर ही होते हैं। पुराणों में वर्णित है कि अलग अलग सामग्री से तैयार शिवलिंग प्रतिमा से अलग अलग मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कौन से शिवलिंग से क्या आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। पहला शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग। हर कार्य सिद्धि के लिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करना या उसकी पूजा करना, ऐसे करने से हर कार्य की सिद्धि होती है। वहीं गुड़ से निर्मित शिवलिंग जो है प्रेम पाने के लिए होता है, खासकर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कत आ रही है या जीवन में प्रेम की कमी हो, तो ऐसे में गुड़ द्वारा बने शिवलिंग की पूजा करने से आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है। मैं बात करती हूँ भस्म से बने शिवलिंग। सर्व सुख की प्राप्ति के लिए भस्म द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो जीवन में आपको समस्त सुख का अनुभव करना है, भौतिक सुख का, मानसिक सुख का, और हर तरह की पीड़ा को अंत करना है, तो भस्म से बने हुए शिवलिंग की पूजा करें। जौ या चावल या आटे के शिवलिंग से दाम्पत्य सुख, संतान प्राप्ति होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके विवाह में विलंब आ रहा है, जिनके विवाह में कहीं ना कहीं कष्ट आ रहा है, तो दाम्पत्य सुख के लिए जौ या आटे से निर्मित शिवलिंग के द्वारा पूजा करें। देखिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब मैं बात करती हूँ दही से बने शिवलिंग। अब लोग समझेंगे कि दही से शिवलिंग कैसे बनाया जाए, दही तो बह जाएगी। तो दही को एक रात पहले मलमल के कपड़े में या पतले कपड़े में बांध के रखें तो सारा पानी निकल जाएगा। जब वो पानी निकल गया और गाढ़ा हो गया वो छेने जैसा, तो उससे शिवलिंग बनाएं। दही से बने शिवलिंग से ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य प्राप्ति यानी कि सुख सुविधाएं आपके जीवन में, यदि आप चाहते हैं तो दही से बने शिवलिंग द्वारा आप शिव की पूजा करें, आपके जीवन में ऐश्वर्य प्राप्ति सुगम हो जाएगी। अब बात करते हैं पीतल और कांसी के शिवलिंग। मोक्ष प्राप्ति के लिए कई ऐसे साधक भी होते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत हो गया इस जीवन में, अब मुझे केवल मोक्ष मिले, ऐसे में पीतल और कांसे के शिवलिंग पर साधना करना बहुत ही कारगर रहता है। सीसा इत्यादि के शिवलिंग शत्रु संहार के लिए, यदि कोई गुप्त शत्रु हो, कोई ऐसा शत्रु हो जिसने आपका जीवन दुभर कर दिया, तो महादेव की शरण में जाएं और सीसा या कांसे के शिवलिंग पे आप पूजा करें, उनके सन्मुख आप पूजा करें, तो देखिएगा सारी आपकी जो शत्रु बाधा है वो दूर होगी। अब बात करूंगी पारे के शिवलिंग से। अर्थ धर्म काम मोक्ष यानी कि चारों चीज़ें देता है पारद का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, लेकिन इसकी नियमित पूजा करने का विधान है। यदि इस पे जल का अर्घ्य नहीं दिया गया तो यही ये शिवलिंग आपके लिए उतना कारगर साबित नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति को अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब कुछ चाहिए, उसके लिए पारद शिवलिंग सबसे उत्तम होता है। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तट पर। नमस्कार।